पॉपुलर सिंगर नेहा कक्कड़ पिछले कुछ टाइम से टेलीविजन इंडस्ट्री से दूर चल रही थी। लास्ट नेहा कक्कड़ को साल 2000 में सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल को जज किया था। इसके बाद नेहा कक्कड़ को कहीं भी इन सिटी बहुत रेयरली स्पॉट किया गया था। और इसी बीच नेहा कक्कड़ अपने कॉन्सर्ट कर रही थी और साथ ही अपने कुछ गानों के प्रोजेक्ट भी कर रही थी, लेकिन टेलीविजन इंडस्ट्री से नेहा ने लगातार दूरी बनाई हुई थी। इसी बीच नेहा कक्कड़ की जो प्रेगनेंसी की खबरें और तलाक के रूमर्स भी जोरों शोरों से सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। और अब इस सब पर नेहा कक्कड़ ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और एक चैनल को दिए इंटरव्यू में इन सब को लेकर खुलासे किए हैं। बता दें, नेहा कक्कड़ ने पंजाबी सिंगर रोहनप्रीत सिंह से शादी की थी और सोशल मीडिया पर अक्सर ये कपल अपने पीडीए मूवमेंट्स को भी फैंस के साथ शेयर करता ही रहता था। और पिछले कुछ टाइम से खबरें आ रही थी कि दोनों के बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। नेहा और रोहनप्रीत के बीच तलाक की खबरों ने फैंस को बेहद हैरान भी कर दिया था। और अब नेहा कक्कड़ ने खुद इसके पीछे की सच्चाई का पर्दा उठाया है। नेहा कक्कड़ ने ई टाइम्स को दिए इंटरव्यू में कहा है, जब से उनकी शादी हुई है तब से सिर्फ और सिर्फ उनके बारे में अफवाहें ही उड़ाई जा रही हैं। नेहा कक्कड़ इंटरव्यू में आगे बात करती हुई कहती हैं, एक तो यह है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और दूसरा यह है कि मैं तलाक ले रही हूँ। इस तरह की खबरें सुनना बहुत ही दुख पहुंचाने वाला है। लोग जो हैं गॉसिप करने के लिए कुछ भी कहते हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि इन सब पर ध्यान ना दूं, क्योंकि मैं जानती हूँ कि सच्चाई क्या है। टेलीविजन से ब्रेक लेने की बात पर नेहा कक्कड़ कहती हैं, ये ब्रेक मेरे लिए जरूरी था। मैं मेंटली और फिजिकली बहुत ज्यादा थक गई थी। मैं उनमें से हूँ जो जब भी कोई शो करती है तो अपना 100% देती है। एक समय ऐसा आया जब कुछ भी मेरे लिए सही नहीं था। मैंने कम उम्र में ही इस इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए आपको मेंटली और फिजिकली हेल्दी होना बहुत जरूरी है। लेकिन अब मैं पूरी तरह से एनर्जी से वापस आ गई हूँ। वेल, आपको बता दें, ये पहली दफा नहीं है जब नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत को लेकर ऐसी खबरें सामने आई हों। अक्सर इस कपल को लेकर ऐसी खबरें सामने आती ही रहती हैं। लेकिन आपको बता दें, इंटरव्यू में नेहा ने अपनी प्रेगनेंसी और अपने तलाक के रूमर्स पर अब क्लैरिफाई कर दिया है। वेल, आपका क्या कहना है इस पर? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताइएगा। क्या कर रहे यार, सब आ गए, तुम्हें क्या करो? अभी बैठ गया, फिर आगे बैठ गया। अंकल यार, मैम रुक जाओ। मैडम जी सामने। मैडम जी जी यहाँ पर। मैडम जी यहाँ पे देखिए, राइट में सामने लग जाएगी। नेहा जी है। एक मिनट भाई, पीछे होना। बेटा हट नीचे, चल आगे निकल। वो मैम प्लीज, मैम करो।